नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में परंपराओं, मान्यताओं व नियमों का बहुत ही महत्व है। आज हम आपको एक ऐसे ही नियम के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता है और जिन्हें पता है वो इस पर विश्वास नहीं करते। तो चलिए जानते हैं क्या है ये नियम। बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, मगर धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी धार्मिक काम को करते समय अगर उनके नियमों का पालन न किया जाए तो वो नुकसानदेह होता है। ऐसा ही एक नियम भगवान शिव के रूप शिवलिंग से जुड़ा है, जिसके बारे में मान्यता प्रचलित है कि कुंवारी कन्या को शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कहा जाता है कि उनके द्वारा शिवलिंग की पूजा का ख्याल करना भी निषेध है। मगर ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? कुछ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लिंगम जो कि देवी शक्ति का प्रतीक है एवं महिला की रचनात्मक ऊर्जा है। हालांकि कहा जाता है कि शास्त्रों में ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है। शिव पुराण के अनुसार ये एक ज्योति का प्रतीक है। सामाजिक धारणाओं की माने तो शिवलिंग की पूजा केवल पुरुषों के द्वारा ही संपन्न होनी चाहिए, न किसी नारी के द्वारा। ज्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं को शिवलिंग की पूजा से दूर रखा जाता है। खास तौर पर अविवाहित स्त्री का तो शिवलिंग की पूजा करना ही वर्जित माना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में लीन रहते हैं। किसी स्त्री के कारण उनकी तपस्या भंग ना हो, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए ये मान्यता प्रचलित हुई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमेशा ही जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखा जाता है। बल्कि कहा जाता है कि केवल मनुष्य जाति ही नहीं, देवता व अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी बरतते हैं। बता दें कि शिवलिंग की पूजा से अविवाहित स्त्रियों को दूर रखने का मतलब ये नहीं कि वो भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती, बल्कि कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं ही शिव जी की सबसे अधिक आराधना करती हैं और अपने लिए एक अच्छे वर की कामना करती हैं। इसलिए विधि विधान के अनुसार 16 सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। वेल, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।